को, अमेठी को लेकर, या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को? मैं? आपको 14 याद नहीं है? स्मृति कौन? I, राहुल गांधी, having been elected a member of the House of the People. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। अमेठी की हार ने तपस्वी बना दिया, चोट तो लगेगी। स्मृति ईरानी जिन्हें कभी सिलेंडर वाली रानी के नाम से भी पुकारा जाता था, आज अपने राजनीतिक करियर के कठिन दौर से गुजर रही हैं। उनकी हार ने न केवल विपक्षियों को बल्कि कई भाजपा समर्थकों को भी चकित कर दिया। इस हार के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो और बयानों को खूब मजाक बनाया जा रहा है। लोग उन्हें स्मृति अहंकारी और सिलेंडर वाली देवी जैसे नामों से पुकार रहे हैं। राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी में स्मृति ईरानी की हार को लेकर हर तरफ चुटकुले और टिप्पणियां की जा रही हैं। एक आम कार्यकर्ता के हाथों से भारी अंतर से हार जाना उनके लिए एक बड़ा झटका है। इस बात को लेकर लोग गर्व से कहते हैं कि बीजेपी की जीत का गम नहीं बल्कि स्मृति ईरानी की हार की खुशी ज्यादा है। अमेठी वाले उनकी हार का जश्न मना रहे हैं और घमंड न करने की नसीहत भी दे रहे हैं। मोदी जी द्वारा इस्तेमाल कर छोड़ दिए जाने की बात भी हो रही है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि अब स्मृति जी को गवर्नर की पोस्ट मिल सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग अपने उदास समय में स्मृति ईरानी की हार की वीडियो देखकर खुश होते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि जब भी मैं उदास होता हूं तो स्मृति ईरानी की हार की वीडियो देखता हूं, मन को खुशी मिलती है और खुशी की लहर दौड़ जाती है। स्मृति ईरानी की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कई लोग उनके भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। वे कभी सिलेंडर वाली भाभी के नाम से मशहूर थी लेकिन अब उनकी स्थिति को लेकर लोग मजाक बना रहे हैं। लोग कहते हैं 2024 का चुनाव स्मृति ईरानी कभी भी भूल नहीं सकती। इसके बाद भी उनकी हार के बाद कई लोगों ने कहा कि ईवीएम सेट 240 वरना काम हो गया था, यानी ईवीएम ने उन्हें बचाया नहीं तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। इन सभी बातों को देखकर कहा जा सकता है कि राजनीति में कभी भी किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। स्मृति ईरानी की इस हार के बाद भाजपा को भी अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना चाहिए। और आपको बता दें कि स्मृति ईरानी खुद एक मजाक बनकर अब रह गई, जिन्हें लोग आज सिलेंडर वाली रानी के नाम से भी लोग याद करते हैं। फिलहाल दोस्तों वायरल हो रहे इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।